हम लोग अभी निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए। सबसे पहले जानना है कि ढेर सारे इमेज पे काम कैसे करना है मैक्रो बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे इमेज खोल के इसको इस पे डाले, ड्रैग एंड ड्रॉप किए, उसके बाद प्लगइन में जाके मैक्रो सेलेक्ट किए और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो जो ऑपरेशन मैं करूँगा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, उसके बाद जो भी एरिया मुझे चाहिए उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्रॉप किया, तो ये क्रॉप हो गया। तो ये ऑपरेशन सेलेक्ट होना है सारे इमेज पे। तो उनसे अब मेरे पास जैसे यहाँ दो इमेज है, इसको सेव करना है, ये कमांड हो गया जो ऑपरेट होना है सब में। तो बाकायदा मुझे करना क्या, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल बनाना है और क्रॉप कर लेना, ये तीन है। इसको कॉपी कर लिए, उसके बाद गए प्रोसेस में, उसके बाद बैच प्रोसेस मैक्रो, उसके बाद इनपुट में गए, यही है फोल्डर, टेस्ट सेलेक्ट कर लिए और आउटपुट को क्रॉप इमेज में सेव कर देंगे, सेलेक्ट कर लिए और इसको आउटपुट को जिस फॉर्मेट में सेव करना है उसको सेलेक्ट कर लिए। लेट से टिफ में सेव करना है तो टिफ में कर लिए। उसके बाद जो भी तुम्हारा बना है इसको यहाँ डाल दो, उसके बाद प्रोसेस क्लिक कर दो, तो ये रन हो गया। ढेर सारा फाइल रहेगा तो टाइम लेगा, उसके बाद क्राउड में जाके चेक कर लो वो बना कि नहीं बना। तो इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये बैच प्रोसेसिंग हो गया मैक्रो बनने के बाद। तो अब मैक्रो बनाना कैसे, अब मुझे बनाना है कंटिन्यूटी के लिए। तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको 8 बिट का बना लेना है ना। 8 बिट का बना लिए और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किया, एक और डुप्लीकेट किया, ठीक है। उसके बाद पहले निकाल लेते हैं लिक्विड का कांटेक्ट कितना है, ठीक है। तो लिक्विड का कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, ग्रिड लाइन डालने से पहले इसमें प्री प्रोसेसिंग करेंगे ना। हाँ तो 8 बिट ऑलरेडी है, तो पहले थोड़ा सा स्मूथ कर लिए, दो बार स्मूथ कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो क्लासिफिकेशन हो पाए। इसको भी स्मूथ कर लिए दो बार। हाँ अब ये दोनों डिस्टिंक्ट हो गया है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल थ्रेशोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट टी, उसके बाद सेलेक्ट करना है मुझे पार्टिकल्स को, सेलेक्ट कर लिया, सारा पार्टिकल सेलेक्ट हो गया, अप्लाई कर दिए, इसको बंद कर दिए। ये 255 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी बाइनरी है, ठीक है। इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब इस पे हम ग्रिड लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, GRID। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, ब्लैक में दिख नहीं रहा है। इसको थोड़ा कम करो, ठीक है 14 लेते हैं, ओके। उसको इसके बाद फ्लैटन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एफ। फ्लैटन करने के बाद ये RGB हो जाएगा, RGB से फिर 8 बिट का कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। उसके बाद फिर से इसको थ्रेशोल्ड कर लो। थ्रेशोल्ड करने के लिए अभी देखो लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये देखो लाइन भी सेलेक्ट हो गया, ओके अप्लाई कर लो। एक बार चेक कर लो, ये 0 है, ये 255 है, ये भी 255 है, परफेक्ट।
ये बीच वाला काट देता हूं। अब क्या करना है, दिस माइनस दिस, सो वो क्या देगा, एनएसएल देगा। हाँ, उसमें दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर और इधर दोनों काउंट होता है। तो फिर हम गए इमेज कैलकुलेटर में, इमेज कैलकुलेटर ये है 1004-4, 1004-4 माइनस 1004-2, 1004-2, इसको सेपरेट घटा दिए, ये आ गया। इसको इसका काउंट जो है करना है, और ये दोनों इसमें दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट है इसमें दो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा मेरा एनएसएल, है ना। तो एनएसएल कितना है, इसको एनालाइज करो, एनालाइज एनालाइज पार्टिकल डिस्प्ले रिजल्ट समराइज, डिस्प्ले रिजल्ट का अभी जरूरत नहीं है, एक समरी का जरूरत है ना, कितने ऑब्जेक्ट हैं। ओके, 114 ऑब्जेक्ट है ना, 114 × 2 तो 228, तो 228 मेरा एनएसएल हो गया, है ना। अब क्या करना है मुझे, एनएसएल प्लस एनएसएल हुआ ना। नहीं अभी तो सिर्फ एनएसएल हुआ है ना, अभी एनएसएस का आएगा क्यों, अभी तो सिर्फ ये वाला काउंट हो रहा है ना, देखो ये काउंट हो रहा है, 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 बीच हाँ, वाला तो मैंने अभी आएगा ही नहीं ना। वाटरशेड नहीं किया। हाँ, अभी वाटरशेड ऑपरेशन किए नहीं है, तो ये मेरा हो गया। कितना ऑब्जेक्ट, कितना बताया था मैंने, 114, द 228, 228 मेरा हो गया एनएसएल। अब एनएसएस निकालते हैं, एनएसएस अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्यों, अभी ये निकला है ना, किसी को वाटरशेड इसी को वाटरशेड कर लेते हैं, तो इसको डुप्लीकेट बना लेता हूं मैं, है ना। इसमें वाटरशेड ऑपरेशन करते हैं, हालांकि वाटरशेड करने के बाद डुप्लीकेट बनाते तो अच्छा रहता है, एक ऑपरेशन कम होता ना, ठीक है, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, इसको भी वाटरशेड कर लेते हैं। अब जब इसको देखो खुद से लिखोगे ना तो बहुत ही छोटा होता चला जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि बार बार इधर उधर हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिक करोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, लाइन बना लेना है ना, ग्रिड, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ये ठीक ठाक है, और ठीक है, और 13 कर लेता हूँ, होगा थोड़ा सा, एक्चुअली जितना स्पेसिंग है ना वो लगभग ग्रेन साइज के बराबर का होना चाहिए। ओके, उसके बाद दिस माइनस दिस करना है, तो अभी ये उसका हिस्सा नहीं है, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 ही बता रहा है ना, वो इमेज का हिस्सा नहीं है, इसको कहते हैं ओवरले। तो उसका हिस्सा बनाने के लिए मुझे इसको फ्लैटेन करना होगा, फ्लैटेन करने के साथ ये आरजीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ये हो गया है कन्वर्ट आरजीबी में, इसको मैं फिर से 8 बिट का कन्वर्ट करके उसके बाद फिर से इसका क्या करेंगे, एडजस्ट इमेज एडजस्ट थ्रेशोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट टी है ना, ये इसको ये जो पीक है ना उसको भी शामिल करना है, कर लिया शामिल, अप्लाई, इसको कर दिए बंद। अब देखो ये 0 है, ये 255 है, ये 0 है, ये 255 है, 255 है, ये 0 है ना, अब ये इमेज का हिस्सा है। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो मुझे एनएसएस प्लस एनएसएल दोनों मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा कंटिग्यूटी का जो डिनोमिनेटर है ना। तो फिर से गए प्रोसेस में इमेज कैलकुलेटर, अब क्या करेंगे, 104-4, सॉरी हाँ ये तो है, 104-4 माइनस 104-2, ये है ना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आ जाएगा, आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट तो बढ़ गए, और जो बढ़े हैं वो क्या है, एनएसएस के कारण बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं 1 पिक्सल का डिस्टेंस क्रिएट किया था वाटर शेड करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, एनालाइज, पहले ये विंडो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, मेक श्योर वो सेलेक्ट हो, एनालाइज 0 से इन्फिनिटी समराइज, ओके, ये देखो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई,
एनालाइज एनालाइज पार्टिकल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ओके। क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर तो रिजल्ट में तो आ रहा है, टोटल में क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत हो गया? अभी भी 114 ही आया। वाटर शेड वाटर शेड में कहीं प्रॉब्लम है? चेक कर लेते हैं, है ना? यहाँ पर तो आया है, ये हुआ है ना? यहाँ पर देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, ये कितना है? 0 है, ये 255 है, ठीक है, ये है 1004-4, ये है 1004-2, है ना? चलो एक बार और करते हैं, प्रोसेस इमेज कैलकुलेटर 1004-4 सब्ट्रैक्ट 1004-2, ठीक है, ठीक है, 0 255 है तो सही, तो ऑब्जेक्ट तो सही है, 1004-4। अरे इसका नाम अभी भी सेम क्यों? अच्छा रिजल्ट ऑफ एरर, ठीक है ठीक है। एनालाइज पार्टिकल, ओके ये आ गया है ना, टोटल काउंट हो गया 169, 279। वो जो था ना उसमें पिक्सल यूनिट जो है ना वो अनक्लिक्ड था, है ना? हम लोगों ने इसको कुछ यूनिट दिया नहीं है ना, इतना पिक्सल जो इतना माइक्रोमीटर है तो पिक्सल यूनिट करना, हाँ है ना? ये तो ऐसे भी रेशियो है ना, इसलिए मुझे जरूरी नहीं है कि उसको मैं वो करूँ, रीस्केल करूँ, कैलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 169 काउंट है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा कितना, NSL प्लस 2 NSS, ठीक है? तो ये इसमें करते हैं 228 पहले था, अभी हो गया 169, 169 इंटू 2, 338 माइनस 228, 110, 110 मेरा हो गया NSS, तो दिस डिवाइडेड बाय 338, 338 था ना, याद नहीं यार, 338, इसको करो 0.32, ये है कंटिग्यूटी, समझ गए? परफेक्ट। अब बंद कर देता हूँ मैं।